आज हम आपको लेके चलेंगे सारनाथ के जैपनीज मंदिर, और साथ ही वहां के बगल में आपको दिखाएंगे विश्व शांति स्तूप और अशोक स्तंभ, और साथ ही वहां पे बनने वाली जो साड़ियां हैं उसके बारे में भी आपको बताएंगे, और वहां फैक्ट्री पे आपको लेके चलेंगे कि वो किस तरीके से बनती है। तो आइए चलते हैं। जापानी मंदिर तक सारनाथ में मुख्य बाजार के पास से पहुंचा जा सकता है। ये सरकार द्वारा संचालित पर्यटक बंगले के ठीक पीछे है। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे जापानीज मंदिर, और अब हमने यहाँ पर गाइड कर रखा है, तो हम गाइड के थ्रू जानते हैं ये क्यों फेमस है और ये कब बना था सारी चीज़ें। हाँ, जापानी संपत्ति 1996 बनाया गया। ये देखिए, जब जापान के लोगों ने भूमि पूजन कराया तब सभी बना दी। इसके अंदर जाने के बाद आपको जो पूरा देखेंगे चंदन की लकड़ी का है। अच्छा, ये वहाँ तक जाएंगे। ये देखिए जापान टेम्पल, यहाँ सब कुछ चंदन की लकड़ी का बना हुआ है। तो आप बैक कैमरे से आप देख रहे हैं, मृत्यु हुई थी उसी अवस्था में उनको बनाया गया। ये जो नीचे का पूरा वो सागवान की लकड़ी का, जो ऊपर का उनका मूर्ति बना हुआ स्टेचू बना हुआ है वो चंदन की, वाइट चंदन की लकड़ी का। जो पीछे देख रहे हैं पांच मूर्ति, वो लाल चंदन की लकड़ी का, जो उसमें पूरा झूमर लटकाया गया है वो पूरा देखे ना झूमर, वो चंदन की लकड़ी का गोल्ड का पॉलिश किया गया है। और वही सारे डिजाइन के काटे जाते हैं, जो कॉटन का बनता है साड़ी, यहाँ पे सिंपल साड़ी कॉटन बनती है साड़ी, उसी पे डिजाइन बनती है, वही सारी डिजाइन बनती है। और ये जो दोनों डेट देखे हैं वो दोनों बाजार में सुबह शाम पूजा करते हैं, 1 से 1.5 घंटा तक पूजा किया जाता है सर। कितने बजे से पूजा होती है यहाँ पे? सर 5:30 बजे से पूजा होती है सुबह, हाँ 1 घंटा, और शाम को भी 6 से 7 बजे तक पूजा होती है, पूजा पाठ होती है। आइए, तो उसका यहाँ आने का आपको सही टाइम सुबह या शाम को आप आएंगे, आपको यहाँ भी पूजा देखने के लिए मिलेगी, आरती देखने के लिए, और आगे जहाँ हम लोग घूम के आए स्तूप वहाँ भी आप लोगों को घूमने के लिए मिलेगी, और आरती और पूजा। आइए सर, ये देखिए विश्व शांति स्तूप, विश्व शांति स्तूप में जो है स्तूप उसी का मॉडल बनाया गया, ये एमपी का मॉडल बनाया गया यहाँ पे। इसके ऊपर जाने के बाद आपको चारों दिशाओं में मूर्ति मिलेगी, हाथ जोड़ के चक्र लगाया जाता है इस पर, सब जूता चप्पल और दोनों सिर के पास उतार दीजिएगा। और ये देखिए अशोक पिलर यहाँ पे देखिए, देखिए अशोक स्तंभ जो हम लोगों के राष्ट्रीय चिन्ह होता है, 4 शेरवन, इसमें 4 जानवर आएंगे आपको, हाथी घोड़ा शेर और बैल आएगा, इसमें 4 जानवर आते हैं। और ये काफी भोपाल का जो गेट वहाँ पर सर उसका मॉडल है, सब सारे कॉपी किए हैं, ये सब सारी कॉपी बनाया गया 2010 में जब जापान के, और वहाँ भी उतार सकते हैं दोनों शेर के पास भी उतार सकते हैं। चलिए इसकी परिक्रमा करते हैं। मोदी जी आए थे ना सर, हाँ, दस में तभी 2010 में नया बना हुआ है, अभी ज्यादा दिन का नहीं हुआ। और इसी गांव में इधर इधर ही गाँव में मैंने वहाँ से माल बनाया, हमने यहाँ पे लाइट रखते हैं जापानी साक्ष म्यूजियम में। अच्छा, दिखाएंगे लाइट कैसे बनता है, अभी दिखाएंगे कैसे बनता है यहाँ पर कपड़ा। तो ये बीचों बीच आप लोग देख सकते हैं विश्व शांति स्तूप, इसको आम लोगों के लिए कुछ दिन पहले ही 25 नवंबर 2010 को खोला गया, और इसके दोनों तरफ ये आप शेर देख सकते हैं, और ये है भगवान बुद्ध की प्रतिमा, और इसके चारों तरफ 4 अलग अलग प्रतिमाएं हैं, ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे। और इसके पीछे एक गांव भी है जहां पर हथकरघा का काम होता है, साड़ियां बनाई जाती हैं, कपड़े बनाए जाते हैं। ये जो जगह है ये सारनाथ के मेन मंदिर से थोड़ा हटके है, थोड़ा अलग है, इसलिए आप देख सकते हैं यहां पे लोगों का आना कम होता है, भीड़ भी यहां पे कम ही होती है।
ये जस्ट जापानीज मंदिर के बगल में है, तो आप जापानीज मंदिर आए तो यहाँ भी आप आसानी से आ सकते हैं। ये पीछे देख सकते हैं आप अशोक स्तंभ जो बने हुए हैं, देखिए ये कैंपस ये नया बना हुआ है। तो चलते हैं हम बाहर। ये जापानीज मंदिर के सामने ही है जापानीज आर्ट म्यूजियम, तो अब हम यहाँ आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं आप किस तरीके से ये कपड़ा बनता है, और यहाँ पे साड़ियाँ बनती हैं, और यहाँ पे फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे आपको हर तरीके की बनारसी साड़ी मिल जाएगी, और कुछ कुछ साड़ियों को बनने में यहाँ पे एक एक हफ्ता या एक एक महीना भी लगता है। देख सकते हैं आप सभी तरीके की, सब कलर में, सभी डिज़ाइन में आपको यहाँ पे साड़ियाँ मिल जाएंगी। और आप बनारस आएँ और बनारसी साड़ी ना लें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए हम जब तक साड़ियाँ देखते हैं, साड़ियाँ लेते हैं, तब तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बताइएगा आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। और यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियोज़ आप लोगों के लिए बना के लाता रहूँगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक नई कहानी, एक नई जगह के साथ। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।